हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल भी सॉल्विंग द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर मैट्रसेस सो वी विल भी बेसिकली सोल्विंग एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन ऑफ द एनसीआरटी होना चाहिए अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वेरी वेल गुड तो यू आर गुड टू सॉल्व दी एक्सरसाइज अगर थोड़ा बहुत डाउट है किसी भी पॉइंट में किसी भी मैट्रिक्स के टाइप में बेसिक मैट्रिक्स के कंसेप्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी में जो भी हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट थ्री वीडियोस देख लो ओके सो लेट्स बिगिन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आप एनसीआरटी की एक्सरसाइज सब क्वेश्चन नंबर वन देख सकते हो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है हमें इस क्वेश्चन में थ्री पार्ट्स हैं हमें सबसे पहला फाइंड करना है उसका ऑर्डर सेकेंड है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं और थर्ड है हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, ओके सो हम क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर वन अब हमें मैट्रिक्स ए केवन है क्या है टू फाइव नाइनटीन माइनस सेवन थर्टी फाइव माइनस टू फाइव टू ट्वेल्व रूट थ्री वन माइनस फाइव एंड सेवेंटीन हमें ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है ओके okay? सो so, सबसे पहले हमें क्या निकालना है मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैंने आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और जब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उसमें भी हमने ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स के तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि बेसिक हमारा एक फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑर्डरफाइन करने के लिए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑर्डरफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाता है ठीक है तो इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है थ्री और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम्स को और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है रोज को तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है फोर तो इस मैट्रिक्स ए का हमारा क्या है ऑर्डर थ्री क्रॉस फोर जो हम सब्सक्रिप्ट में डोनोट करते हैं ठीक है थीके? अगर कुछ भी डाउट है तो ये आप लेक्चर में पहले के लेक्चर में ऑर्डर समझ सकते हो उसमें मैंने प्रॉपर बहुत सारे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके भी आपको ऑर्डर समझाया था ओके सो सेकेंड पार्ट है क्विकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो हमारे पास दो वेज है फाइंड करने के लिए यहाँ तो हम काउंट कर लें कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वेज एलिमेंट्स कितने हैं बट वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक शॉर्टेस्ट वे होता है वो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज को एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ तो हमें पता चल जाती है मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपने ऊपर ही नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स निकाले थे नंबर ऑफ रोज़ है थ्री और नंबर ऑफ कॉलम्स है फोर तो हमारे पास कितने हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ट्वेल्व अगर आप इसको काउंट करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा ट्वेल्व ही है बट मैंने आपको पता था शॉर्ट वे में हम जल्दी से निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओके okay? अब थर्ड है हमारे पास number, हमें एलिमेंट्स राइट right करने हैं हमें एलिमेंट्स का गिवन है कि रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को जो हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट ऑफ फॉर्म ए आई जेवियर आई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रोड नंबर और जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर तो जल्दी से क्विकली क्वेश्चन में हमें क्या है ए वन थ्री ए टू वन ए थ्री थ्री ए टू फोर ए टू थ्री ओके हमें ये एलिमेंट्स निकालने हैं तो ए वन थ्री ए वन थ्री से आपको क्या पता चल रहा है कि हमें एलिमेंट बताना है क्या फर्स्ट रो जिसकी है और जिसका कॉलम क्या है कॉलम नंबर है थ्री तो आप देख सकते हो ए वन थ्री फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम नाइनटीन तो ए वन थ्री एलिमेंट क्या है नाइनटीन सिमिलरली ए टू वन हमारा रो टू कॉलम वन क्या है रो टू कॉलम वन थर्टी फाइव ए थ्री थ्री रो थ्री कॉलम थ्री रो थ्री कॉलम थ्री माइनस फाइव ए टू फोर रो टू कॉलम फोर ट्वेल्व और ए टू थ्री रो टू कॉलम थ्री फाइव बाई टू ओके सो ये क्वेश्चन के आपके पास तो क्लियर हो गए अब हमने कितना क्विकली सॉल्व कर लिया अब ऑर्डर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स कैसे निकालना है ये आप, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हमारा इफ अ मैट्रिक्स हैज ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव ओके हमें बताना है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये है हमें क्वेश्चन नंबर टू ओके okay. एक मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या गिवन है कि उसमें हमें गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस मैट्रिक्स में ट्वेंटी फोर ओके हमें गिवन है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ट्वेंटी फोर है अब हमें बताने कि उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ठीक है तो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है ट्वेंटी फोर अब हमें उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स फाइन करने हैं क्या फाइन करने हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ओके सो पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो क्विकली आप जस्ट एज्यूम करो अब सबसे बेसिक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स तो हम लेट्स एज्यूम करते हैं कि हमारा नंबर ऑफ वो क्या है रोज लेट्स एज्यूम एन इंटू एम हमें गिवन है ट्वेंटी फोर है अब हमें एन और एम के पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं पॉसिबल सॉरी वैल्यूज बतानी है ताकि हमें पता चल हमारा ऑर्डर ट्वेंटी फोर है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो आप बेसिकली ट्वेंटी फोर को फैक्टराइज कर दो क्या कर दो ट्वेंटी फोर को फैक्टराइज टू ट्वेल्व फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही होगी सिक्स टू थ्री थ्री वन तो बेसिक फैक्टर्स हमें ट्वेंटी फोर के आ गए टू 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 थ्री ओके सो बेसिक सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है वन अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज वन है तो एम क्या होगा ऑब्वियसली एम वन को ट्वेंटी फोर से तुम्हें ट्वेंटी फोर को वन से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फोर ये हमारा पहला पॉसिबल ऑर्डर होगा वन क्रॉस ट्वेंटी फोर ओके अब हम सिमिलरली टू पहला फैक्टर है टू तो टू को हम करेंगे टू को अगर हम ट्वेंटी फोर से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा ट्वेल्व ये हमारा दूसरा ऑर्डर हो गया टू क्रॉस ट्वेल्व सिमिलरली थ्री का भी लिख सकते हैं हम थ्री में क्या आएगा बताओ एट तो थ्री क्रॉस एट हमारा थर्ड पॉसिबल ऑर्डर हुआ सिमिलरली फोर फोर के लिए बताओ सिक्स ट्वेंटी फोर फोर क्रॉस सिक्स ठीक है सिमिलरली सेम अब आपने लिखा नंबर ऑफ रोज के लिए अब आप सिमिलरली कॉलम्स के लिख सकते हो क्या जब हमने बताया कंडीशन हो सकती है कि नंबर ऑफ रोज फोर है नंबर ऑफ कॉलम सिक्स है तो ये भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज सिक्स है और नंबर ऑफ कॉलम्स फोर है तब भी हमारा ऑर्डर ट्वेंटी फोर बन रहा है सिमिलरली एट रोज हैं थ्री कॉलम्स हैं ट्वेल्व रोज हैं टू कॉलम्स हैं और सिमिलरली ट्वेंटी फोर रोज है और वन कॉलम है सो so, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन गए वैल्यूज बन गई पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे ट्वेंटी फोर बेसिक कहा होना फैक्टराइज कर दो इजीली निकल जाएगा ओके आई होप ये क्लियर होगा आपको ओके सो हमारा फर्स्ट टू क्वेश्चन तो हो गए थर्ड क्वेश्चन आप देखो थर्ड क्वेश्चन सिमिलर ही है सेकंड क्वेश्चन से कुछ अलग नहीं है इफ अ मैट्रिक्स हैज एटीन एलिमेंट्स तो आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं सिमिलरली एक सेकंड कंडीशन भी है हमारे पास कि सेम क्या होगा जब हमारे पास पांच एलिमेंट्स हैं, तो आपको उसके लिए भी निकालना है तो थर्ड क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं बता दूंगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का जिसमें हमें एलिमेंट्स की गिवन फॉर्म पता है कि ए आई जे जो है वो हमारा एक फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा ओके सो फोर्थ क्वेश्चन हमें कंस्ट्रक्ट करना है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स तो इन लोगों ने गिवन ही कर दिया हमें कि एक मैट्रिक्स है जो है टू क्रॉस टू का ओके सो so, सिमिलरली हम बनाएंगे एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम कैसे निकालते हैं एक टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है क्या होंगे इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जल्दी बताओ टू को टू से मल्टीप्लाई करना है फोर तो ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू तो फोर एलिमेंट्स है अब हमें फॉर्मूला गिवन है कि ए आई जे को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आई फर्स्ट को पार्ट कर देती हूँ मैं सेकेंड और थर्ड आप प्रैक्टिस खुद कर लेना आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन टू ये हमें फॉर्मूला गिवन है अब हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो जल्दी से करते हैं हमें वैल्यूज तो पता है ए वन वन कैसे निकालनी है तो ए वन वन निकालते हैं सबसे पहला एलिमेंट निकालते हैं हम पहली रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हम वो निकाल रहे हैं तो पुट कर दो आई की जगह वन जे की जगह वन टू का स्क्वायर फोर एंड फोर डिवाइडेड बाई टू टू तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया टू सिमिलरली ए वन टू वन और जे की जगह टू होल स्क्वायर upon टू थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन upon टू ए टू वन ये भी सेम हो जाएगा टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू नाइन upon टू ए टू टू क्या होगा हमारा टू प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन अपॉइंट टू एट ये हमारा बन गया तो एक मैट्रिक्स हमारा ए क्या आ गया टू नाइन बाय टू नाइन बाय टू एट हमारा मैट्रिक्स से निकल गया सिमिलरली आप ए आई जे सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी निकाल लेना बहुत इजीली निकल जाएगा बस आपको गिवन है कि टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है तो आपको पता है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे उस मैट्रिक का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना जैसे हमने यहां पे बनाया उसके बाद वही वैल्यूज आई जे की पुट करके आप एलिमेंट्स निकाल सकते हो ओके सो फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है फिफ्थ क्वेश्चन भी आप सेम कर सकते हो ओके लेट्स स्टार्ट विथ सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में क्या है सिक्स क्वेश्चन गिवन है हमें फाइंड करना है हमें वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड की जब हमें गिवन है इक्वेशन कि दो मैट्रिक गिवन है वो हमें इक्वल है हम पहला पार्ट करती हूँ फिर सेकेंड और थर्ड आप खुद ट्राई करना है. अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना फिर हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट है हमें मैट्रिक्स गिवन है फोर थ्री एक्स फाइव इज इक्वल टू वाई सेड वन फाइव हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है कि एक्स वाई और जेड क्या है हमें ये निकालना है और हमें गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है अब जो दो दो मैट्रिस इक्वल होते हैं तो बेसिकली ये समझो कि अगर दो मैट्रिस इक्वल है तो उस हर दोनों मैट्रिस का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो भी बराबर होगा मतलब फोर जो है एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा ये मतलब है इसका ओके सो so, अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है तो सिमिलरली आप देख के पता चल जाएगा आपको कि एक्स की वैल्यू क्या आई वन वाई की वैल्यू क्या आई फोर और जेड की वैल्यू क्या आई थ्री बहुत ईजी है गिवन ए मैटर से सेम है सीधा एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालो अगर एक्स और वाई और जेड की वैल्यू जैसे सेकंड पार्ट में क्विकली देखो कि हमें गिवन है एक्स प्लस वाई और उसमें दूसरे मैट्रिक्स में गिवन है सिक्स तो आप एक्स प्लस वाई को सिक्स पुट कर दो सिमिलरली एक्स वाई इक्वल टू एट तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी तो आप दो इक्वेशन को इन uh, दो वेरिएबल्स पे इजिली सॉल्व करके आप एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हो ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपको अब क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सेवन एथ नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ ओके okay? अगर आप पहले ये फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन ट्राई कर लो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ओके वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर रेस्ट क्वेश्चन